वीडियो देखने वालों, मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हो गैजेट ब्रूड। और आज मैं करने वाला हूँ ओप्पो K3K की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है बॉक्स में कंटेंट, क्या मिलते हैं इसके स्पेशल फीचर्स, और क्या ये हमारा जो फ़ोन है वो मिड रेंज का किंग हो सकता है या नहीं होता। और इस वीडियो में है मेरी तरफ से एक स्पेशल सरप्राइज़, तो वो वीडियो के कोई भी मिनट पे हो सकता है, वीडियो के कोई भी सेकंड पे हो सकता है, तो लास्ट तक देखें वीडियो को, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बॉक्स खोले तो सबसे पहले मिलता है हमें ये लीफलेट्स, पेपर वर्क जिसे कोई पढ़ता है नहीं, किसी को इंटरेस्ट होता है नहीं। और बात करें हम कंटेंट्स की, तो हमें मिलता है ये एक हार्ड केस या कवर आप कह लो, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कवर है जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि कंपनियां हैं जो भी वो फ्री केस देती है, प्लास्टिक कवर्स जो भी होते हैं उनके बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं, लेकिन मैं सबको ये बोलता था कि आप एक अच्छी क्वालिटी का कवर खरीदो, लेकिन इस बार ओप्पो जो है उसने बहुत अच्छी क्वालिटी का कवर दिया है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से अच्छे कवर ख़रीदने की। और बात करें हम कंटेंट्स की, तो हमें मिलता है ये चार्जर जो कि है आप ओप्पो का वूक चार्जर है, जो कि आता है 20 वॉट्स की चार्जिंग के साथ, 5 वोल्ट्स 4 एम्पियर की चार्जिंग के साथ, जो कि होता है 20 वॉट्स की, जो कि सेम चार्जर है जो वन प्लस का आता है डैश चार्जिंग के साथ, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा जो वन प्लस में मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बात करें हम कंटेंट्स की, तो हमें मिलती है USB टाइप सी केबल जो कि आपको फास्ट चार्जिंग वूक चार्जिंग में हेल्प करेगी। अब बात करें हम डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो जो डिज़ाइन है इस फ़ोन का वो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ओप्पो ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है डिज़ाइनिंग में। हालांकि इस डिवाइस में हमें मिलती है एक पॉलीकार्बोनेट बैग जो कि होता है प्लास्टिक, लेकिन इस डिवाइस में जो ओप्पो ने काम किया डिज़ाइन में वो काफ़ी अच्छा काम किया, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेडियंट फिनिश है इसमें ग्रीन और ब्लैक कलर का, इसमें जो है वो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, ग्रेडियंट फिनिश है, तो जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील भी मैं अगर इसकी बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी स्टर्डी है, हालांकि प्लास्टिक पैक है लेकिन काफ़ी स्टर्डी है, ग्लास जैसा फील होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे पैनल यूज़ किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में मेरी तरफ से इस डिवाइस को मिलता है एक थम्स अप। बात करें हम ओप्पो K3 के डिस्प्ले की, तो हमें इस डिवाइस में मिलता है एक 6.5 इंच का फुल HD पैनल जो कि आता है हमारा एमोलेड डिस्प्ले के साथ। जो एमोलेड डिस्प्ले है वो हमारी वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है, और इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा आपका वीडियोइंग होएगा इस डिस्प्ले में। और एमोलेड डिस्प्ले की वजह से हमें इस डिवाइस में पॉसिबल हो पाया एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बहुत ही फास्ट है, काफ़ी अच्छा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। जो ओप्पो K1 में था वो बहुत ही बेकार था, स्लो था, लेकिन जो हमारा ओप्पो K3 में आता है वो काफ़ी फास्ट है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल आपको आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करें हम परफॉर्मेंस की, तो ओप्पो K3 में हमें मिलता है एक स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट जो कि मैं ये कह सकता हूँ मिड रेंज का बेस्ट चिपसेट है। लेकिन अब मैं बात करूँ इसके डाउनसाइड की, तो हमें इसका जो यूज़र इंटरफेस मिलता है वो मिलता है हमारा कलर ओएस का, तो पर्सनली उसके साथ मेरी जो है वो सबकी मैं ये कह सकता हूँ लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मेरे को कलर ओएस पर्सनली नहीं अच्छा लगता, और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी बगी है, काफ़ी लैग्स वगैरह आपको दिखेंगे थोड़े दिन के बाद, मान लो 5-6 दिन के बाद आपको काफ़ी लैग्स वगैरह दिखेंगे आपके फ़ोन में, क्योंकि इनका जो UI है वो काफ़ी हैवी है, काफ़ी बगी है, बहुत बग्स हैं इनके OS में, और इनको अपना जो UI पे काम करना पड़ेगा तभी ये इनकी कोई भी चिपसेट दे दें, तब तक नहीं उसकी रियल परफॉर्मेंस दिखेगी जब तक इनका जो यूज़र इंटरफेस है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, उनका सॉफ्टवेयर अच्छे से ऑप्टिमाइज हो। अब बात करें हम इसकी बैटरी की, तो बैटरी हमें मिलती है इसमें एक 3765 mAh की बैटरी जो कि मैं ये कह सकता हूँ आपका एक पूरा दिन आराम से निकाल देगा। अगर आप एक मान लो सपोज अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो आपको दो दिन में दो बार चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो आपको एक दिन आराम से पूरा निकाल देगा। लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हो तो आपके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस डिवाइस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 20 वॉट्स का चार्जर मिलता है जो कि आता है वूक चार्जिंग के साथ, जो कि सेम ही है वन प्लस की डैश चार्जिंग के जैसा। और
हमें ये डिवाइस आपका अराउंड 1 hour 20 minutes में फुल चार्ज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब बात करें हम इसकी ऑडियो की, तो ऑडियो में हमें मिलता है इसमें एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ उसका जो स्पीकर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मेरे हिसाब से ओप्पो ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं बात करूँ अगर कैमरा सेटअप की, तो हमें इसमें रियर कैमरा जो मिलता है वो मिलता है हमें एक 16 megapixel का प्राइमरी कैमरा, और जो सेकेंडरी कैमरा आता है वो आता है हमारे टेलीफोटो लेंस के साथ, जो कि आता है 2 megapixel का। अब मैं बात करूँ अगर रियर कैमरा के शॉट्स की, जैसा कि मैंने लिए हैं कुछ पिक्चर्स, मैंने लिए हैं पोर्ट्रेट मोड में या नॉर्मल मोड में, तो काफ़ी अच्छे आए हैं। और मैं बात करूँ अगर वीडियो की, तो हमें ये वीडियो आप ले सकते हो 4K 30fps में, 60fps में, फुल HD 60fps में, 30fps में, तो काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी है रियर कैमरा से। तो रियर कैमरा इस फ़ोन का ओप्पो ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब मैं बात करूँ अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा हमें मिलता है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो जैसा वो जो आता है 16 megapixel का। और मैं बात करूँ अगर पॉपअप सेल्फीज़ की, तो वो भी काफ़ी अच्छी आती है। वीडियो की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर ओवरऑल मैं कैमरा की बात करूँ, तो कैमरा काफ़ी अच्छा है, ओप्पो ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें इस डिवाइस पर मिलता है एक 191 ग्राम्स का वेट, जो कि मैं कह सकता हूँ आपको हैवी लगेगा इनिशियल यूजर्स में, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप यूज़ तो हो जाओगे। तो अब मैं बात करूँ हमारे स्पेशल सरप्राइज़ की, तो टाइटल में जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा, तो हाँ जी मैं कर रहा हूँ इस फ़ोन का एक गिव अवे। और गिव अवे जीतने के लिए आपको करने पड़ेंगे कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहले आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और आपको एक कमेंट छोड़ना पड़ेगा नीचे कि आपको फ़ोन के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या आपको कैमरा अच्छा लगा, क्या आपको बैटरी अच्छी लगी, क्या आपको इस डिवाइस का डिज़ाइन अच्छा लगा। तो आपको एक कमेंट छोड़ना पड़ेगा, और आपको मेरी इस वीडियो को जो है वो शेयर करना पड़ेगा। आपको जो लाइक के सामने एक शेयर का बटन होता है, वो जैसे ही पॉपअप होगा तो आपको उसमें आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप यूज़ करते होगे, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, वो खुल जाएगा। आपको वहाँ से शेयर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपके लिंक से मेरी वीडियो को व्यू करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको जीतने के चांसेस इस फ़ोन के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बात करूँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको गिव अवे मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है, रूल है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है गैजेट ब्रूट के नाम से। तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट वहीं पे आएगा। अब मैं बात करूँ इस फ़ोन की आखिरी कंडीशन की, तो ये जो फ़ोन है वो आपको मिल सकता है 17,000 व्यूज़ पे। जितनी फ़ोन की कीमत है उतने अमाउंट ऑफ व्यूज़ पे आपको जो है कंप्लीट होने पे आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो 17,000 व्यूज़ पे आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, ताकि 17,000 व्यूज़ इस वीडियो के कंप्लीट हों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे नया कंटेंट आने वाला है, एक्साइटिंग और यूनिक कंटेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।